माशाल्लाह। फिर कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरिश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ फाइबर ग्लास के वाले से। ये जाली देख रहे हैं, ये जाली जो मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है, नया तजर्बा करने लगा हूँ। जाली वाली फाइबर ग्लास शीट जो है ना वो बनाने लगे हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है मैं भी पहली बार बनाने लगा हूँ और आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी बनाते हैं। ये जाली का पीस है तकरीबन 1.25 फुट बाई 1.25 फुट का, ठीक है। छोटा मैंने इसलिए लिया ताकि पहले बना लें, अगर कामयाब हुआ तो फिर जो है ना बड़ा जो जिस साइज़ का होगा बन जाएगा। पहले बना के चेक करते हैं छोटे पीस को। सबसे पहले जो है ना ये लकड़ी का फट्टा है मेरे पास, ये लकड़ी सॉलिड नहीं है, ये जो प्लाई होती है ना लसानी उसके ऊपर भी शीट लग जाती है, तो एक ये भी नया एक्सपीरियंस आपके सामने आ जाएगा। इसके बारे में जो है जाली वाली जो शीट है ना वो लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे शीशे के ऊपर वैक्स लगाते हैं ना इसी तरह इसके ऊपर भी हमने वैक्स लगानी है। ये मेरे पास वैक्स है, ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरह करके ना जिस एरिया पे हमारी शीट आनी है उस एरिया पे अच्छी तरह जो है ना इसको लगा लेना है, क्योंकि इसके बगैर जो है ना शीट निकलेगी नहीं, वो फिर जो है ना अटक जाती है, और ऐसी अटकती है कि फट्टा टूट जाएगा मगर शीट नहीं निकलेगी। वैक्स जो है हमने अच्छी तरह लगा दी इसके ऊपर। अभी जो है ना हम बनाते हैं रेजन, ये बॉल ही है मैंने। रेजन जो है ना मैंने निकाला है इस बॉल में बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास 1 फुट बाई 1 फुट का पीस है छोटा सा, उस हिसाब से जो है ना मैंने रेजन लिया है। ये पहले अभी इसके नीचे ना एक कोट लगाना है नीचे। फाइबर ग्लास में जो 2 नंबरियाँ होती हैं ना, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए ना वो भी बताऊँगा। एक आम बंदे को पता कैसे चलेगा फाइबर ग्लास 2 नंबर है कि 1 नंबर है। हेलो जी, ये जो है ना कोड लगाते हैं इस तरह, हेलो जी, इतना सा रीज़न मैंने लगा के कोड, इसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि जो हल्का खुश्क हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं जाली, अब हमने क्या करना है, ये कील ठोकना है पहले जाली को, बल्कि पहले हमने लगानी है एक ये इसकी लेयर लगानी है शीट की, फाइबर ग्लास की ना, मैट जिसे कहते हैं। एक लेयर जो है ना जितनी जाली है उतना पीस मैंने कटिंग कर दिया, इसको ऐसे रखते हैं, इसके ऊपर बिछाना है सीधा रख के, बिछाने के बाद रेजन जो है ना इसके ऊपर भी लगाते हैं। इसके ऊपर ना अच्छी तरह रूले के साथ जो है ना इसको पहले फिट कर देना है। अच्छा, अब लगानी जाली, और जाली कैसे लगानी, इसको इस तरह इसके ऊपर खोल के साइडों पे ना कील लगाने हैं। मैं थोड़ी ये देखें, ये चारों कोनों पे जो है ना मैंने कीलों के साथ जाली जो है ना अटका दी है। अभी जो है ना इसके ऊपर लगाते हैं दूसरी लेयर, ये फाइबर ग्लास की जो मैट है इसको इसके ऊपर रखना है। ऐसे ही आएगी ना कि ऐसे आएगी, ऐसे नहीं, ऐसे ही आएगी, ठीक है। उम्मीद तो है कि कामयाब होंगे, बाकी देखो आगे क्या होता है। इस तरह इसको रख के इसके ऊपर, अब जो हमने रेजन लगाना है इसके ऊपर वो लगाना है तेज़ रख के। तेज़ रख के मुराद ये है, एक तो लगाना स्पीड के साथ है और हार्डनर डालना है इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। हार्डनर ज़्यादा डालेंगे ना तो जल्दी खुश्क होगा, जल्दी खुश्क होगा तो इसकी जो ये उठ रही है ना जाली की वजह से ये उठेगी नहीं। फिर ज़्यादा डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फटाफट से लगाना शुरू कर देना, क्योंकि हार्डनर ज़्यादा है ना तो इस वजह से फिर ये खुश्क भी जल्दी होगा। तो दरमियान में से मैं शुरू करूँगा ऐसे ये, और इसको ज़रा रेजन जो है ना वो भर के लगाना है आपने, क्योंकि ये नीचे तक जाली की भी पकड़ होनी है, वो भी रेजन ही पकड़नी है और मैट की भी। दरमियान में लगा के ना रेजन, ओए हो ये रूला जाम हो गया मेरे ख्याल से ना मेरा। दरमियान में लगा के पहले हल्का सा रूला जो है ना इसके ऊपर चला देना है, ताकि नीचे और ऊपर वाली जो लेयर है ना ये सही तरह से पकड़ करे।
ये जो है ना, इस तरह मैंने पत्थर रख दिया इसके ऊपर, तो आगे ये उठे ना। हेलो जी, ये रख के इसके ऊपर हल्का सा रूला चलाएं। उम्मीद तो है कि ये कुछ ना कुछ तो हमें रिजल्ट देगा ही, या तो कामयाब होंगे तो या नाकाम होंगे। उम्मीद तो है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कामयाब ही होंगे। रिजल्ट क्या निकलता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये मैंने लगा के छोड़ दी है, ये देखें, कैमरा क्लोज करो भाई। ये जिस जगह से ना कुछ जुड़ी जुड़ी भी लग रही है मुझे, कन्फर्म रिजल्ट नहीं पता क्योंकि पहली बार ये किया है। ठीक है, आपको भी दिखाया, खुद भी एक्सपीरियंस किया है। अभी खुश्क होती है, फिर आपको चेक कर इसको उखेड़ के दिखाते हैं कि तैयार हुई है या नहीं हुई। ये देखें, शीट जो लगाई थी हमने, ये खुश्क हो गई, मैंने रखी हुई है। ये देख रहे हैं अभी जो है ना, चिपचिप कर रही है गीली है सारी, खुश्क होगी फिर इसको निकालते हैं। ये साइडों पर जो लकड़ियाँ रखी थी ना, ये मैंने उतार दी क्योंकि साथ चिपक गई थी। ये निशान देख रहे हैं, ठीक है, इस वजह से चिपक गई थी साथ, इसलिए जो है इसको उखेड़ दिया मैंने ना, कहीं खुश्क ना हो जाए। अभी खुश्क होती है फिर इसको उतार के मैं दिखाता हूँ आपको। जो रात कल हमने शीट बनाई थी ना जाली वाली, रात को मैं छोड़ के चला गया था, मैं अभी दुकान पे आया हूँ। ये चेक करें, अभी भी हल्की हल्की चिपचिप कर रही है, मगर कोशिश करते हैं इसको ना उतारते हैं इसके ऊपर से, उतार के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखे, सबसे पहली जो चीज़ है ना हमने लगाई भला किस पे थी, लकड़ी के फट्टे के ऊपर, शीशे के अलावा भी लग सकती है। ठीक है, ये शीट है हमारी। ओ भाई साहब, ये बड़ी मजबूत शीट है। ठीक है, ये देख रहे हैं ये जो बबल आए हैं, ये दरमियान में से ना एरिया ठीक है, ये वाला पीस निकालते हैं। ये जो है ना, इनका हल फिर कभी नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा, पहले ये वाला पीस निकाल के मैं आपको चेक कराता हूँ सही तरह। ये चेक करें जी, माशाल्लाह बेहतरीन जो है ना शीट बनी है, वी ए पी किस्म की, और ये बड़ी मजबूत है। ये वेट भी इसका ज़्यादा ज़ाहिर है, लोहे की जा रही है इसके अंदर, क्या बात। अभी जो है ना, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।